हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टीपन। जैसा कि हमें पता है, जैक डेली 2021 की जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 24 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी डिटेल्ड काउंसलिंग प्रोसेस आएगी, किस तरीके से हमें काउंसलिंग में बढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है और क्या क्या इस काउंसलिंग प्रोसेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, सारी चीजों पर अभी डिटेल्ड वीडियो आएगी। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज में क्या ब्रांचेज ऐड हुए और कितने नंबर ऑफ सीटों के साथ ऐड हुए, साथ साथ जो नया कॉलेज ऐड हुआ उसमें कौन कौन से ब्रांचेज है और कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम बात बोले एनएसयूटी ईस्ट कैंपस में जो ब्रांच ऐड हुआ है सीएसवी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहां पे 60 सीटें ऐड हुई हैं, जिसका एडवांटेज हमें डेफिनेटली काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। और इसको कहां पे ऐड करना है, किस तरीके से चॉइस प्रेफरेंस रेडी करना है कि हम टॉप कॉलेज पा पाए और किस तरीके से हमें काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप बनना है, तो अगर हमारी काउंसलिंग गाइडेंस आप चाह रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल डॉक का, वहां से आप फॉर्म भर के हमसे कनेक्टेड हो सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भर देना। नेक्स्ट नंबर पे IGDTUW की बात बोले तो ये वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे भी एक ब्रांच ऐड हुआ है ईसी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे 150 सीटें ऐड हुई। तो नो डाउट जो भी गर्ल्स कोटा से बिलोंग करेंगे यहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, इस ब्रांच के साथ भी आप मूव कर सकते हो। साथ ही साथ आप कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करके कॉलेज 3 पॉइंट पे कॉलेज प्रिडिक्टर, जहाँ पे 3 साल के कट ऑफ एनालिसिस होती है, आपको दिखता है कि 3 साल के अंदर जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉलेज 3 पॉइंट का कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करके देखना कि आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ब्रांचेस और कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। साथ ही साथ उसकी प्लेसमेंट स्टैट, फी स्ट्रक्चर और राउंड वाइज क्या कट ऑफ रही थी, सारी चीजों को आप देख सकते हैं, मेन राउंड की भी और स्पॉट राउंड की भी। तो डेफिनेटली यूज करो, 399 के स्मॉल से सब्सक्रिप्शन पे आपकी सारी प्रिडिक्टर फ्री हो जाती है, जोसा और सीसैप ऑलरेडी फ्री है। इसके अलावा कॉमेट के और जेएमएन के थ्रू जितने भी काउंसलिंग होते हैं स्टेट लेवल के, वो सारी प्रिडिक्टर आपको फ्री हो जाती है 399 के स्मॉल से सब्सक्रिप्शन पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉलेज 3 पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से प्रिडिक्टर यूज करके अपने चॉइस फिलिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से रेडी करो। वहीं पे अगर हम न्यू कैंपस को देखें तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में हमें कंप्यूटर साइंस में 75 सीटें देखने को मिली है, 75 सीटें यहां पे ऐड हुई है। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात बोले तो 75 सीटें यहाँ पे भी एड ऑन हुई है। और वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात बोले तो 38 सीटें यहाँ पे, जो मैकेनिकल विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है वहाँ पे 75 सीटें और यहाँ पे मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 75 सीटें ऐड हुई है। तो ये भी चॉइस प्रेफरेंस में कहाँ सेट करना, कैसे सेट करना, आपको बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना पड़ेगा। ये जो बेसिकली कॉलेज है, ये 2 कॉलेजेस को मिलके मिला बना है जो आईपीयू के ही अंदर आता था, एक जीबी पंत जो कि पिछले साल क्लोज हो गया था, एक दिल्ली टूल्स ऑफ इंजीनियरिंग जो कॉलेज था दिल्ली टूल्स ऑफ इंजीनियरिंग था, उसको दोनों को मर्ज करके ये कॉलेज बनाया गया। तो नो डाउट आप मतलब इसमें भी मूव कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक नो डाउट आप इसमें भी मूव कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक एक्स्ट्रा अप्रोच है कि कहीं से भी हायर एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। और ये जैक डेली के अंदर ऐड हुए तो नो डाउट जो है इसकी जो डिमांड रहेगी वो हाई ही रहेगी। तो इनको भी प्रेफरेंस में आपको सही तरीके से सॉर्टेड वे में एडजस्ट करना। बाकी जो ब्रांचेज है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे हम डीटीयू कैंपस की बात बोले या फिर एनएसयूटी मेन कैंपस, IIIT दिल्ली, एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में जैसे का तैसे ही ब्रांच था। बाकी जो नए ब्रांचेज और नए कॉलेजेज ऐड हुए वो मैंने बता दिया। अब इसको अपने प्रेफरेंस में सही तरीके से आपको एडजस्ट करना। हमारी काउंसलिंग असेसमेंट चाह रहे हो तो गूगल डॉक के लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जैक दिल्ली पे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस पे वीडियो आएगी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू।